हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब है आशीष राठी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो पेरेंट्स ने करने को ही होना। तो आइए चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया तो बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैं डालते रहता हूँ रेगुलर में जो आप तक शायद नहीं पहुँच रहे, क्योंकि मुझे रिपीटेडली एक कमेंट्स में जो मैसेजेस देख रहा हूँ मैं, वो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं गाइज। तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए और प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिए, आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर होगा। और वीडियो पूरा देखिए गाइस, पूरा देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा देखेंगे तब आपको प्रॉपर जो चीज़ें बेसिक से बेसिक चीज़ पता चलेंगी, आधा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट गाइस, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप क्रिकेटर के पप्पा हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं आप, गार्जियन हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप खुद एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलिए। उससे क्या होगा, कम्पिटिटिव स्पोर्ट जो भी एज ग्रुप है आपका, अगर आप 50 साल के, तो आज का 50 एज ग्रुप जो आपका एज ग्रुप है उसमें खेलिए, पर कम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलिए। उससे आपको पता चलेगा कि विनिंग, हाउ विनिंग इज डन, विनिंग कैसे होता है। तो आपको ये पता चलेगा कि विनिंग, जीतना ये कितना डिफिकल्ट चीज़ है, कितना आसान चीज़ है, वो कैसे होता है, उसके पीछे का माइंडसेट पता चलेगा। और उससे एक चीज़ होंगी कि आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझेंगी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझने से आपको काफ़ी चीज़ें आसान होंगी अपने बेटे के प्रति, अपने बेटी के प्रति, अपने जो भी स्टूडेंट्स के प्रति, जो मतलब अपने बच्चे हैं उनके प्रति, उनको कैसे बिल्डअप करना है, उनका स्किल सेट कैसे बिल्डअप करना है, उनका उनका जो माइंड है वो कैसे बिल्डअप करना है, स्किल सेट एडॉप्ट करने में, एक्सप्रेस करने में, ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप खेल नहीं सकते हैं तो आप एटलीस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की किताब ज़रूर पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की किताब पढ़िए, 2-3 किताबें पढ़िए, 4-5 किताबें पढ़िए, एटलीस्ट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि 2-3 किताबें ज़रूर पढ़िए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो ये मेरा पहला पॉइंट है गाइस। मेरा सेकंड पॉइंट है गाइस, नेवर डिस्कस कभी भी अपने बच्चों के साथ रिजल्ट्स जो है मैच का वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये उनको उनको विनिंग, जिताना कैसे, ये नहीं सिखाना चाहिए। रैदर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ओरिएंटेड क्या रहना चाहिए कि जो जो रिजल्ट है, रिजल्ट कैसे रहते हैं, जैसे मैच जीते या हारे, ये रिजल्ट से ज़्यादा अपने एक्शंस के रिजल्ट, जैसे मूवमेंट्स के रिजल्ट वो डिस्कस कर सकते हैं, बट मूवमेंट्स डिस्कस करने को ना ना कि रिजल्ट, मैच का क्या रिजल्ट आया, ये नहीं डिस्कस करने को ना। ये मेरा सेकंड पॉइंट है गाइस। मेरा थर्ड पॉइंट है गाइस, अपने बच्चों का ध्यान जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है उस पे लगाना ज़रूरी है, बेस्ट चीज़ों पे लगाना ज़रूरी है, ताकि उसको मेंटली वो चीज़ें दोहराए, वो विजुअलाइज करे, जो अच्छी चीज़ें हुई है उस पे फोकस करना चाहिए। ये मेरा थर्ड पॉइंट है गाइस। मेरा फोर्थ पॉइंट है गाइस, अगर आपको एक अच्छा पेरेंट्स बनना है तो आपको एक अच्छा, जो आपका प्रोफेशन है, जो भी है, जो आप करते हैं वही बच्चा सीखेगा, तो आपको ही बेस्ट बनना पड़ेगा, आपको ही सबसे अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा आप जो बोलेंगे उन्हें वो नहीं सीखेगा, आप जो करते रहेंगे वो सीखेगा। तो आप क्या कर रहे हैं डेली लाइफ में, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे उठ रहे हैं, आपका क्या चीज़ है, आपका प्रोफेशन के वाइज में भी इट डिफर्स, बट फिर भी आप जितना जैसे रहेंगे, जो चीज़ आप करोगे वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे वो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं, या पार्टीज़ या काइंड ऑफ थिंग्स जल्दी अडॉप्ट करते हैं, नए पॉजिटिव हैबिट्स जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अट्रैक्ट कौन सी चीज़ें करना है, और आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आप जो बोलते हैं उससे ज़्यादा आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं, आपके डिसिप्लिन है क्या,
पंक्चुअलिटी है क्या, ये सारी चीजें मायने रखती है अगर आपको आपके बच्चों में वो ढालनी है तो। मेरा फिफ्थ पॉइंट है गाइस, बच्चों को उनके मिस्टेक से जज ना करें, उनको अच्छे चीजें करते हुए ध्यान दे कि हाँ यार ये अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कीजिए, वो उनको बताइए कि यार ये बहुत अच्छा किया, ना ही उनको फ्लॉज और मिस्टेक्स बताते रहे। वो जो अच्छे चीज़ें कर रहे हैं वो ढूंढिए कि क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा नहीं, मतलब जो अच्छे चीज़ें कर रहे हैं वो बार बार बताइए, ताकि उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ अच्छी है और ये बार बार करनी चाहिए। वो उनके दिमाग में बार बार इंस्टिल होगा और वो ट्राई करेंगे उनका बेस्ट कि वो रिपीटेडली वही चीज़ करें, क्योंकि वो चीज़ आपने उनकी तारीफ की थी। प्रेस कीजिए उनको वो चीज़ों के लिए। मेरा सिक्स पॉइंट है गाइस, अगर वो हारे भी है तो फाइंड आउट कीजिए कि क्यों हारे, कहाँ इम्प्रूव कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते। बट ये ध्यान रखिए कि आपको आपके नज़र में उनको हमेशा सक्सेसफुल फील करवाना है। आप ऐसा उन्हें फेलियर फील नहीं करवा सकते, आपको हमेशा सक्सेसफुल कराना है। और उनको हमेशा बताते रहिए कि चाहे आप जीतो या हारो, चाहे आपके क्रिकेट में कुछ भी हो, आपका प्यार वैसा ही रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा और सेम रहेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये मेरे पॉइंट्स थे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो काफ़ी बहुत सेंटिमेंटल कह सकते हैं आप, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जो सिर्फ क्रिकेटर्स के पेरेंट्स के साथ नहीं, जो ऑलरेडी जिनके पापा फैमिली मेंबर्स उनको प्रेशराइज करते हैं या ये सारी चीज़ें होती है, सबके साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि सबको पता चले कि सिंपल ये सारी चीज़ें कितनी मायने रखती है एक साइकोलॉजी के तौर पर, एक माइंडसेट के तौर पर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल गाइस।